हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पॉलिटेक्निक इंट्रेंस का, जो एग्जाम आपका होने वाला है, ठीक है ना, मई लास्ट में। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं विद पर सब्जेक्ट का, जिसकी जो डिप्लोमा टेक्नोलॉजी से है, या डिप्लोमा इन फार्मेसी से है, या होटल मैनेजमेंट से है, या जो जिस भी ब्रांच से जिसने फॉर्म भरा हुआ है, उन सभी के सब्जेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। क्या क्या उनमें क्रिटेरिया है, क्या क्या उनका सेलेबस है, सब जानने वाले हैं। तो आपका जो कोर्स नेम है और जो एग्जाम पैटर्न है, जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी वाले हैं, यानी जिन पर PCM रिलेटेड है, जो 10th और 12th बेस पर जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, उनके सबसे पहले हम सेलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। साइंस, साइंस में क्या आएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री 50% आएगा, मतलब 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से होंगे और 25 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से होंगे, बशर्ते आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं 50% आपका मैथमेटिक्स से आएगा, यानी 50 क्वेश्चन आपके बेसिक मैथमेटिक्स से होंगे या थोड़े एडवांस मैथमेटिक्स से होंगे। उसके सिलेबस के बारे में भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो बच्चे फार्मेसी के हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी PC दोनों 50% के होने वाले, यानी 25 नंबर का फिजिक्स और 25 नंबर का केमिस्ट्री। साथ में जो बायोलॉजी है या जिन्होंने मैथ से भरा हुआ है, तो बायोलॉजी में 50% यानी 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने वाले हैं, या मैथ में। आगे जितने भी जो बच्चे हैं जिन्होंने जिन जिन से भरा हुआ है, वो देख लेना कि डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, तो इन सभी में आप देख सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं आगे, ये लेटरल एंट्री स्कीम का भी आप देख सकते हो, नीचे जो लिखा हुआ है ये भी आप देख सकते हो, जो 12th बेस पर सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं हम जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जिनके पास PCM है, उन पर क्या क्या आएगा। सबसे पहले मैथ की बात कर लेते हैं, जो मैथमेटिक्स है वो आपका 50 मार्क्स का आने वाला है, यानी 50% 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहले वर्गमूल एवं घनमूल, घातांक एवं करणी, सरलीकरण, बहुपद एवं गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्त यानी महत्तम समापवर्त, आपका SCF, SCF, LCM, बीजगणित सूत्रों पर आधारित प्रश्न, रेखिक तथा द्विघात समीकरण, लघुगणक यानी लोगारिथम, संख्यापत्ति, प्रतिशतता, लाभ हानि एवं बट्टा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, बैंक जमा पूंजी तथा किस्तों पर भुगतान, और कराधान आप देख सकते हो स्क्रीन पर, औसत, अनुपात समानुपात, कार्य समय, चाल तथा समय, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, विक्षेपण की मापे, समुच्चय सिद्धांत, प्रतिचित्रण, त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय तथा अनुप्रयोग, ठीक है, और समरूप त्रिभुज और वर्तीय माप। तो सभी ये सिलेबस आपको लिख लेने हैं वीडियो में से। त्रिकोणीय फलन एवं सरसमिका, त्रिकोणमितीय फलनों के मान, दो कोणों के योग अंतर के त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणीय फलन एवं सूत्र, ऊंचाई एवं दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस, वर्त की स्पर्श रेखा, समतल आकृति के क्षेत्रफल तथा परिमाप, घन घनाभ तथा बेलन, प्रिज्म पिरामिड तथा शंकु, गोला समकोणी कार्तीय निर्देशांक एवं सरलेखा। भौतिक विज्ञान की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको मैथमेटिक्स कहाँ से पढ़ना है, बाकी तो मैं आपको तीनों सब्जेक्ट लेकर चलने वाला हूँ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स की, लेकिन आपकी थोड़ी मेहनत भी होनी चाहिए। आपको क्लास 8, 9 और 10 का मैथमेटिक्स पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से कर लेना है। साथ में 11th के कुछ टॉपिक हैं, जैसे आपकी सरलेखा हो गई और समकोणीय कार्तीय निर्देशांक हो गया। क्लास 12th का एक मैट्रिक्स का चैप्टर है, एक डिटर्मिनेट का चैप्टर है, और एक समाकलन का और एक अवकलन का, तो वहां से भी क्वेश्चन एक दो पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको कवर कर लेना है। भौतिक विज्ञान एंड फिजिक्स पे हम बात कर लेते हैं। मापन यानी मेजरमेंट, सदिश एवं अदिश राशि, गति, गति के नियम, बलागुण, बल, कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा, द्रव्य स्थिति की एवं आकृमिटिज का सिद्धांत, सरल लोलक तरंग गति एवं ध्वनि, पदार्थ अणुगति सिद्धांत, तापमिति एवं उसमें प्रसार। तो ये आपका फिजिक्स का है। और भी देख लेते हैं फिजिक्स में, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे आगे है विशिष्ट उष्मा तथा गुप्त उष्मा, उष्मा का संचरण, प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन, प्रकाश का गोलीय दर्पणों पर परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पतले लेंसों से अपवर्तन, प्रकाशिक यंत्र, विद्युत घटनाओं का प्रमाणिक मॉडल, विद्युत धारा, विभव एवं विद्युत सेल, ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध, और साथ में ही प्रतिरोध एवं सेलों का संयोजन, विद्युत धारा के अनुप्रयोग, धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में विद्युत, रसायन विज्ञान एवं रसायन, द्रव्य, रासायनिक संयोग के नियम, परमाणु संरचना, रेडियो एक्टिविटी, तथा नाभिकीय ऊर्जा,
और संयोजक टाइम रासायनिक आबंधन, रसायन की परिभाषा या रसायन की भाषा, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक गणनाएं, गैसीय नियम, विद्युत रसायन, अम्ल क्षार तथा लवण, विलयन, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण, धातु धातु एवं धातुक्रम, जल एवं जल की कठोरता, प्रमुख गैसें, महत्वपूर्ण लवण, ईंधन, कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण एवं नामांकन, महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की पहचान, उनका मात्रात्मक आकलन, औद्योगिक रसायन और विश्लेषणात्मक रूपायन। तो ये सभी आपको कवर कर लेने हैं। मैं आपको बता दूं कि क्लास 9th का साइंस, यानी साइंस का मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्लास 10th का साइंस और 11th का साइंस आपसे अच्छी तरीके से आना चाहिए। बट मैं आपको फिर बता रहा हूँ, डेली आपको PCM की एक एक वीडियो डेली मिलेगी, यानी जब तक हमारा पेपर होगा तब तक हम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए सभी लगाने की कोशिश करेंगे विद टॉपिक वाइज। ठीक है, तो अब आगे हम देख लेते हैं, जो फार्मेसी वाले स्टूडेंट हैं उन पर भौतिक विज्ञान का ये सिलेबस है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और रसायन विज्ञान का ये है और जीव विज्ञान का ये है। तो सभी आपको कवर करने हैं, ठीक है ना। और हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको 8477921246 पर आपको मैसेज करना है। तो सभी PDF आपको विद लेक्चर के साथ में, जैसे हम जो लेक्चर कराएंगे उसकी PDF आपको WhatsApp नंबर पर मिलेगी या टेलीग्राम पर मिलेगी। NCERT टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी थी जो मुझको आपको देनी थी, और आप अच्छे तरीके से अपने इंट्रेंस को क्वालिफाई कीजिए, और मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।